मकर संक्रांति का पर्व पूरे देश में मनाया जा रहा है लेकिन गोरखनाथ मंदिर में रविवार यानी पंद्रह जनवरी को खिचड़ी यहाँ पर बाबा गोरखनाथ को चढ़ाई जाएगी और जो इतिहास है वो काफ़ी पुराना है त्रेता युग से ही यहाँ पर मकर संक्रांति पर खिचड़ी चढ़ाने की व्यवस्था है और आप, आपको बता दें कि यहाँ पर बाबा गोरखनाथ को तभी से खिचड़ी चढ़ती है जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश करते हैं उसी समय से जो उदया तृथि है उसी से यहाँ पर शुरू हो जाती है खिचड़ी चढ़ाना बाबा को और गोरखनाथ मंदिर में मुख्यमंत्री और गोरक्ष पीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ के साथ ही जो नेपाल के लोग हैं काफ़ी संख्या में आते हैं और देख सकते हैं सुरक्षा के जो इंतजाम है त्रीय स्त्रीय जो सर्किल है घेरा है वो यहाँ पर है ए लगी हुई है लगभग चालीस जो जवान हैं जो देश की सुरक्षा में हैं वही जवान गोरखनाथ मंदिर की सुरक्षा में भी यहाँ पर आपको मुस्तैद दिखाई दे रहे हैं और आपको आगे भी ले चलते हैं ये देखिए जवान जो मंदिर परिसर है वहाँ का ये पूरा घेरा आपको मंदिर परिसर का घेरा आपको लेते हुए दिखाई दे रहे हैं जो बाहर की सड़क है काफ़ी भीड़ है लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं देश और विदेशों से भी अलग अलग देशों से भी श्रद्धालु आते हैं एक महा तक का खिचड़ी का मेला लगता है और ये देखिए हमारे जवान जो देश के ए के जवान हैं वो यहाँ पर सुरक्षा में लगे हैं और अलग अलग शिफ्टों में ये मंदिर की सुरक्षा कर रहे हैं और ये देखिए लीड कर रहे हैं हमारे अजय प्रताप सिंह जी हैं जो कमांड कर रहे हैं यहाँ की टीम को और पूरी मुस्तैदी के साथ एक एक जो जवान हैं उनकी सुरक्षा को देख रहे हैं और मुख्य गेट जो है आगे वहाँ तक चूँकि गोरखनाथ मंदिर में आतंकी हमला भी इसके पहले कई बार धमकियाँ मिल चुकी हैं और तमाम जो यूपी में चाहे अयोध्या हो चाहे काशी हो लगातार आतंकी हमले हुए हैं और इसके साथ ही जो हमले होते रहे और कुछ ही दिन पहले मुर्तजा अब्बासी ने जो मंदिर पे हमला किया था उन उन हमलों को देखते हुए ये जवान हमारे लगे हुए हैं गोरखनाथ मंदिर की जो सुरक्षा है उसको देखते हुए और यही वजह है कि गोरखनाथ मंदिर की जो सुरक्षा है वो भी चाक चौबंद की गई है नीरा श्रीवास्तव ए बी गंगा गोरखपुर एबीपी गंगा खबर आपकी जुबा आपकी